everyone. I am Anubha and welcome to Fact Hunt, where we must fake news and bring the truth behind it. So let's get started with part 2 of our previous video. हाल ही में मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर फैल गई कि मेरठ के एसपी अखिलेश एन सिंह ने वहां पर यानी मेरठ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बोला कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये वीडियो हर जगह वायरल हो गई। आप ये वीडियो क्लिप खुद देख सकते हैं। मौका दिए ना, नहीं वो तो ठीक है, जो काली पट्टी पीली पट्टी वहाँ गलत बात है, तो बता रहा हूँ तो पाकिस्तान चले जाए। टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड नंबर के सब कुछ काला, पट्टी नहीं जिंदगी भी काली है। नहीं नहीं गलत बात है, देश में नहीं रहने का मन है, चले जाओ। यहाँ गाँव के कहीं और बताओ, थानों को कुत्तों को फोटो हो गई बुरी बात है, मुझे याद हो गई, याद रखना। जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुँचता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। गली में खड़ा कुछ हो गया, तुम लोग कीमत चुकाओगे, आ जाना फिर इस गली से। आना फिर ताले आओगे, आ जाओ, आराम छोड़ जाएंगे, इस गली को ताले ठीक कर दूंगा मैं, एक एक घर के एक एक आदमी को जेल में बंद करूंगा मैं, बर्बाद करके रखूंगा, कह दिया बता देना। हम आपको बता दें कि ये क्लेम और ये वीडियो दोनों ही मिसलीडिंग है, क्योंकि इस वीडियो का पहला हिस्सा यानी कि एसपी ने इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया ये दिखाया ही नहीं। एसपी ने अपने सफाई में बताया कि मेरठ में कुछ लोग प्रोटेस्ट के दौरान प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स बोल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब एसपी लोगों से बात कर रहे होते हैं तो वहां के लोग भी उनकी बात समझ रहे होते हैं और उनसे अग्री कर रहे होते हैं, जिसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। एसपी अखिलेश सिंह के सीनियर एडीजी प्रशांत कुमार भी उनके सपोर्ट में सामने आए और बताया कि मेरठ उन सेंसिटिव एरियाज में से एक है जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स बोले जा रहे थे। वहां पर 4 लोगों की मौत हुई प्रोटेस्ट के दौरान और साथ ही साथ 50 से भी ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। इन्हीं सब मिसलीडिंग क्लेम्स के बीच एक और क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि कुछ एक्टर्स को एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने की कीमत चुकानी पड़ी। पहला दावा यह किया गया कि सावधान इंडिया के होस्ट सुशांत सिंह का शो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई। सुशांत सिंह ने इसकी अनाउंसमेंट ट्विटर पे की, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ये कीमत आपको एनआरसी और सीएए के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से चुकानी पड़ी, जिस पे उनका जवाब था कि बहुत छोटी कीमत, वरना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या जवाब देंगे। और ऐसा ही काफी सारी मेनस्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट किया। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जो कि 5 दिसंबर को पब्लिश की गई थी, यानी सीएए प्रोटेस्ट के काफी पहले। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सावधान इंडिया का फॉर्मेट अगले साल यानी 2020 से बदल सकता है और शायद इसी वजह से सुशांत सिंह भी इस शो का हिस्सा ना रहे। स्टार भारत ने भी क्लैरिफाई किया है कि किसी भी एक्टर का पॉलिटिकल ओपिनियन उनके लिए मैटर नहीं करता है, पर सुशांत सिंह ने स्टार भारत को भी झूठा बताया और यही दावा किया कि उनको सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही उनको शो से निकाला गया है। पर जो ये रिपोर्ट 5 दिसंबर की सामने आई है उसका मतलब कुछ और ही हमारे सामने आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये दावा करने लगे कि इसी वजह से उनको हरियाणा गवर्नमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर पोजीशन से हटा दिया गया। और ऐसा ही कई सारे मेनस्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट किया। और इसी के बाद हरियाणा गवर्नमेंट के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये क्लैरिफिकेशन आया कि परिणीति चोपड़ा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2017 अप्रैल में किया गया था, जो कि सिर्फ 1 साल के लिए था और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया गया। यानी कि ये क्लेम जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा था वो बिल्कुल भी गलत है।
दो और वीडियो वायरल हुई जिसमें पहली वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि जो महिलाएं एंटी सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनके साथ पुलिस वॉयलेंस कर रही है, उनको मार रही है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं ये कुछ पुलिस वाले महिलाओं को मार रहे होते हैं। जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि असल में ये वीडियो 3 साल पुरानी है और पाकिस्तान की है। ये वीडियो हेडलाइन स्टूडे नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जहां पे ये बताया गया था कि पंजाब पुलिस औरतों को मुल्तान कोर्ट में मार रही होती है। दूसरी वीडियो इस दावे के साथ शेयर की गई कि बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज कोलकाता के एक रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये वीडियो लगभग 4 साल पुरानी है और बांग्लादेश की है। बांग्लादेशी मीडिया हाउसेस ने भी इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये घटना जनवरी 2016 की है और ब्राह्मण बरिया नाम के रेलवे स्टेशन की है। राइटर ऑथर सबा नकवी ने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया जिसके साथ उन्होंने दावा किया कि समय बदल रहा है और इसीलिए असम में राइट विंग स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इस फोटो में हम कुछ स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जिन्होंने कुछ बैनर्स और प्लेकार्ड्स पकड़े हुए हैं जिनमें एंटी सीए स्लोगन्स लिखे हुए हैं। ट्विटर पे काफी लोगों ने इस फोटो को शेयर किया, पर जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की रिवर्स इमेज सर्च से तो हमें डीएनए की एक रिपोर्ट मिलती है जो कि 18 दिसंबर को पब्लिश की गई थी। तब हमें पता चला कि ये फोटो असल में असम की नहीं बल्कि जेएनयू की एबीवीपी यूनिट की है, जहां पर स्टूडेंट्स सीएए के सपोर्ट में रैली निकाल रहे थे। इन बैनर्स में असल में लिखा हुआ है वी सपोर्ट सीएए, जिसको फोटोशॉप की मदद से ऐसे स्लोगन्स लिखे गए जो कि एंटी सीए और एनआरसी है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। So that was all for this video. You can read our fact-checking articles on our website, and if you like our content, then do share this video and subscribe to our channel. And don't forget to share your views in the comment section below.